सात दिन पहले एक मामला सामने आया राजस्थान के जुनैद और नासिर का, जिसे भिवानी बोलेरो कांड के नाम से जाना जा रहा है। इस मामले में रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। राजस्थान के रहने वाले जुनैद और नासिर की कथित तौर पर जलाकर हत्या कर दी गई। उसकी बॉडी जली हुई बोलेरो गाड़ी के साथ हरियाणा के भिवानी में मिली। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है कि FIR में जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं, उनका नूह जिले की पुलिस के साथ गहरा संबंध है। वो संदिग्ध पशु तस्करों के बारे में मुखबिरी के साथ साथ गो तस्करों पर छापेमारी में पुलिस टीमों के साथ शामिल रहे। रिपोर्ट्स कहते हैं कि नूह के फिरोजपुर, झिरका और नगीना पुलिस स्टेशनों में पिछले दो महीनों में दर्ज की गई कम से कम 4 FIR में रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत को मुखबिर के रूप में वर्णित किया गया है। रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत का नाम जुनैद और नासिर की कथित हत्या के सिलसिले में शुरू में दर्ज किए गए अभियुक्तों में शामिल है। ये तीनों गौरक्षक समूहों का हिस्सा है। इस लिस्ट में मोनू मानेसर का नाम भी है। मोनू मानेसर बजरंग दल का सदस्य और गुड़गांव में हरियाणा सरकार के गाय संरक्षण कार्य बल का चेहरा है। सोमवार को राजस्थान पुलिस ने नामजद किए गए लोगों की सूची में 8 और लोगों को जोड़ा। 14 फरवरी को दर्ज की गई सबसे हालिया FIR इन तीनों आरोपियों के हरियाणा पुलिस के साथ संबंधों को बयान करती है। ये FIR फिरोजपुर झिरका स्टेशन पर रात 10:30 बजे जुनैद और नासिर के अपहरण की आशंका से कुछ घंटे पहले दर्ज कराए गए हरियाणा के मवेशी वध कानून के तहत दायर की गई। FIR में कहा गया कि नूह के एगौन गांव के पास तैनात पुलिस टीम को गुप्त मुखबिर और गौरक्षक रिंकू ने सूचना दी कि मवेशी तस्करी में शामिल 5 लोग गो हत्या करने के लिए एक पिकअप ट्रक में राजस्थान की ओर जा रहे हैं। FIR में कहा गया कि सूचना के 10 मिनट के बाद बैरिकेडिंग की गई और रिंकू के इशारे पर पिकअप ट्रक को रोका गया। पुलिस को देखकर पिकअप ट्रक ने रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक के कारण ऐसा नहीं हुआ। सहायक उप निरीक्षक जमशेद की शिकायत पर दर्ज की गई FIR में कहा गया कि चालक और उसके 4 साथी ट्रक की खिड़कियों से कूद गए और भागने में कामयाब रहे। ऑल इंडिया मजलिस इस्तेआदुल उल मुसलमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के उनके आवास पर बदमाशों ने हमला किया, उनके आवास पर पत्थरबाजी हुई। ओवैसी राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा उन्होंने घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस को शिकायत सौंपी है। और अफसोस की बात यह है कि राजस्थान की जो पुलिस है और हरियाणा की पुलिस, वो इन तमाम गुंडों को, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को खुली छूट दे दी है कि वो आते हैं मेवात में और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको उठाकर लेकर जाते हैं। जुनैद और नसीर को जो किडनैप किया गया था, उसी वक्त गोपालगंज पुलिस स्टेशन में जाकर इत्तला दी गई, कंप्लेन दी गई। अगर वो फौरन हरकत में आते तो शायद आज वो जिंदा रहते। अभी उनके परिवार के लोग हमको बता रहे थे कि फिरोजपुर झिरका का जो CI है, वहां की जो पुलिस है, वो तो पूरा इस गैंग के साथ मिली भी है। और उनके परिवार के लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस गैंग ने, जो 6 एक्यूज जो है, जिनको एलेज एक्यूज है, FIR में नाम है, वो इतना मारे जुनैद और नसीर को, ले जाकर पुलिस स्टेशन में जब उनको दिए तो पुलिस ने इनकार कर दिया उनको लेने से। तो उसके बाद वहां से 170 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी गाड़ी, जली हुई गाड़ी और जली लाश मिली। ओवैसी ने राजस्थान वाली घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब जुनैद और नासिर को जिंदा जलाया गया तो ये कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसा हो रहा है कि मेरे घर में पत्थर फेंके गए हों। ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट किए कह दिया कि दिल्ली स्थित मेरे आवास पर फिर से हमला हुआ है। 2014 के बाद से ये चौथी घटना है। इससे पहले आज रात मैं जयपुर से लौटा और मेरे घरेलू सहायक ने मुझे इन्फॉर्म किया कि बदमाशों के एक समूह ने पथराव किया जिससे खिड़कियां टूट गई। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत पकड़ना चाहिए। जुनैद और नासिर हत्याकांड के मुख्य आरोपी श्रीकांत के मृत नवजात बच्चे का सोमवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम हुआ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में किए गए पोस्टमार्टम में नवजात के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। अलबत्ता नवजात के दिल, फेफड़े, किडनी और लिवर के नमूने लेकर अब उन्हें जाँच के लिए मधुबन स्थित फॉरेंसिक लैब और PGI रोहतक जाँच को भेजे गए। इन नमूनों की जाँच रिपोर्ट से ही अब नवजात की मौत के असली कारणों का पता चलेगा। नूह के जिला नागरिक अस्पताल अलाफिया मांडीखेड़ा में 2.5 घंटे तक चली कार्रवाई में 3 चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम किया। मेडिकल बोर्ड ने 9 महीने के नवजात के शव के 4 अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए मधुबन और PGI रोहतक लैब भेजे।
पोस्टमार्टम के बाद ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने शव को उसके दादा बालकिशन को सौंप दिया। करीब 6:15 बजे नवजात के शव को गांव मरोड़ा के शमशान घाट में दफन कर दिया गया। श्रीकांत के परिजनों की मांग पर रविवार शाम करीब 6 बजे नवजात के शव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में गांव मरोड़ा के शमशान घाट से खोदकर जिला नागरिक अस्पताल मांडीखेड़ा लाया गया था। जिला उपायुक्त के आदेश पर सिविल सर्जन ने 3 सदस्यीय डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड कमेटी बनाई, जिसने दोपहर सोमवार को 3 बजे शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की निगरानी में बच्चे को शमशान घाट में फिर से दफना दिया गया। लेकिन फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, गर्मा रहा है। राजस्थान की सियासत भी गर्मा चुकी है, ओवैसी पीछे हटने को तैयार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।